इस समय की बड़ी खबर यही है कि पीएफआई की जो छापे हैं वो तमाम बड़े शहरों में इस समय चल रहे हैं। पीएफआई ने कल इसके विरोध में केरल बंद का आह्वान किया है। एनआईए छापेमारी के विरोध में इस बंद का आह्वान किया गया है। पीएफआई के तमाम नेता कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए पीएफआई ने कल केरल में बंद बुलाया है, बंद का आह्वान किया हुआ है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे इस समय फील्ड में मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। आशीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, जितेंद्र दीक्षित मुझे दिखने लगे हैं मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पीएफआई ने केरल में बंद का आह्वान किया है, लगातार टेरर प्लस टेरर फंडिंग की जांच इस समय चल रही है पीएफआई के खिलाफ, क्योंकि एनआईए जो कि आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों को डील करती है और ईडी जो कि टेरर फंडिंग के ऊपर जांच कर रही है, ये दोहरा प्रहार इस समय हो रहा है पीएफआई के ऊपर। जी हाँ शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा, यह दोहरा प्रहार है। अर्ले तड़के 3:30 बजे से ये रेड शुरू होती है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां अगर बात करें तो केरला से हुई हैं, 22 गिरफ्तारियां केरला से हुई हैं, 20 गिरफ्तारियां कर्नाटक से हुई हैं, 9 गिरफ्तारियां जहां तमिलनाडु से हुई हैं, वहीं 5 गिरफ्तारियां आंध्र प्रदेश से हुई हैं। तो जाहिर तौर पर बड़ा क्रैकडाउन है दक्षिण भारत में पीएफआई के नेटवर्क के ऊपर। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले इसका उदय और एक्टिव ये केरला में हुआ, उसके बाद कर्नाटक में इसने पैर पसारे, तमिलनाडु में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई। उसके बाद जुलाई में 5 जुलाई को सबसे पहले निज़ामाबाद पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, उसने एक टेरर ट्रेनिंग कैंप को बस्ट किया। इस टेरर ट्रेनिंग कैंप में यह पाया गया कि पीएफआई कराटे ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग दे रही थी। उस केस को अगस्त की 26 तारीख को एनआईए ने अपने हाथ में लिया और उसके बाद सितंबर में 18 को रेड होती है 38 जगहों पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और आज की जो देशव्यापी रेड है उसी इन्वेस्टिगेशन की आगे की कड़ी है। खास बात यह है कि इसमें टेरर फंडिंग का भी एंगल आया और इसलिए ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हुई है। ठीक है आशीष, बने रहिए, मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगी, मुंबई से मेरे साथ मौजूद है जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित, देशव्यापी रेड्स चल रही है इस समय पीएफआई के खिलाफ, लेकिन पीएफआई कह रहा है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, ये जो रेड्स हो रही है क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? शोभना, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आज सुबह से कार्रवाई हो रही है और महाराष्ट्र की एक कार्रवाई एनआईए जो है एटीएस के साथ मिलकर कर रही है। एटीएस की टीमें महाराष्ट्र के 12 अलग अलग शहरों में, जिनमें कि मुंबई शामिल है, नवी मुंबई शामिल है, औरंगाबाद शामिल है, पुणे शामिल है, बीड और इसके अलावा नांदेड़ और दूसरे मराठवाड़ा के जो शहर हैं वहां पर एटीएस की कार्रवाई आज तड़के से चल रही है। और अब तक जो हमें जानकारी मिली है कि 22 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एटीएस ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और ये एफआईआर यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत दर्ज की गई हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा लगाई गई है जिनमें की आरोप हैं सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे, दो समुदायों के बीच में आपसी वैमनस्य पैदा करने जैसे, घातपात के हिंसा करने के इरादे जैसे, इस जैसी सख्त धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है और लगातार इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं शोभना कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर की इतिहास रहा है सांप्रदायिक हिंसा का, जहां इतिहास रहा है आतंकी हमलों का, और ऐसे में महाराष्ट्र में इस तरह की एक कार्रवाई होना काफी अहम माना जा रहा है कि किस तरह से दक्षिण भारत में पैदा हुआ एक संगठन महाराष्ट्र में अपने पैर पसार रहा था। क्योंकि जो हमें जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो जिस शख्स को आज मुंबई से गिरफ्तार किया गया वो दक्षिण भारत से ही मुंबई में आकर बसा था, मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में आकर बसा था। इसके अलावा मुंबई का जो पड़ोसी शहर है नवी मुंबई, वहां पर भी पीएफआई का दफ्तर खोला गया और सबसे ज्यादा पीएफआई का कंसंट्रेशन जो है वो पुणे और मराठवाड़ा के औरंगाबाद इन इलाकों में हो रहा था, ऐसी जानकारी आई थी। और इस लिहाज से जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो खास नजर बनाए हुए थी, खास करके 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद से जो मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, तो उनके बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ तब से इन पर निगाह रखी जा रही थी और आज ये इस तरह की कार्रवाई हुई। बिल्कुल, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।